on his back. So guys, second, third gear. नहीं जाने देंगे. ज़्यादा लंबा तो नहीं. हेलो महादेव, नया दिन नेसरो शुरू करते हैं आज की वीडियो. गाइस गाइस, अपने सामने खड़ी है दो बाइक, एक अपनी R15 V4, दूसरी अपनी KTM Duke 200. और दोनों ही बाइक के बीच में होने वाली है ड्रैग रेस. चलो तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ दोनों ही बाइक का. जो अपनी V4 है 2023 मॉडल है, BS6, और ये आपको मिलती है 155 cc के इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करती है 18 का हॉर्स पावर एंड 14 का NM टॉर्क, और 6 गियर मिल जाते हैं इसमें आपको. अगर वहीं बात करें हम KTM Duke 200 की, तो भाई ये वाला कुछ ऐसा सा लुक है. और साथ ही बता दूँ इसका जो आपको इंजन मिलता है वो 2 cc का है, और हॉर्स पावर की बात करें 25 का, और टॉर्क की बात करें तो 19.2 का NM टॉर्क है. लाइट वेट मशीन है दोनों पर. अपने जो R15 V4 ज़्यादा लाइट है, 150 से भी नीचे है. अब देखते हैं कौन सी बाइक आज भाई ड्रैग में जीतती है. बस अपना V4 को क्या है, फ़ायदा मिल जाएगा फेयरिंग का. इसके पास वाला फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये नेकेड है, ये स्पोर्ट्स है. ड्रैग में जीतता कौन है, और वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है. तो भाई वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर जो भी भाई न्यू आ रहा है वो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना याद से, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे अपने नंबर्स बढ़ेंगे, अपने नंबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो भाई फिर तो मज़ा ही आ जाएगा कंटेंट शूट करने में. और तो चलो देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो. चला रहा हूँ सबसे पहले KTM Duke 200, और भाई चलाएगा अपना Yamaha R15 वर्जन 4. लेट्स सी भाई पहला राउंड कौन जीतने वाला है. अभी तो R15 पीछे यार, ये तो लिमिटर है ना, बड़ा गंदा भाई ऐसा KTM का. तो भाई पहले तो निकल गई अपनी ड्यूक, स्टार्टिंग में 70 तक, 75 तक, और भाई 80-90 फिफ्थ गियर मैंने डाल दिया. अब थोड़ा झुकना पड़ेगा मुझे. भाई ड्यूक बहुत आगे यार, ये 140 पे लॉक हो चुकी है, नहीं जीत पाएगी R15. हाँ टॉप एंड में निकल जाएगी, पर इनिशियल में भाई नहीं निकल पाएगी. काफी सही भाग रही है KTM Duke 200. चलो एक बार राइडर स्विच कर लेते हैं. पहला राउंड जो जीतती है वो है अपनी KTM Duke 200. चलाऊंगा V4, भाई चलाएगा ड्यूक. अब 3 बार हॉर्न देंगे भाई पीछे से और हम निकलेंगे. राइडर ही बकवास था ये. बराबर में चल रही टक्कर. भाई नहीं जाने देंगे, ज्यादा लंबा तुझे, बस गेम ओवर. अभी आगे निकाल दिया हमने दोबारा से. पहले मैं R15 चला रहा था और भाई चला रहे थे हमारे KTM, और जैसे अब मैं KTM चला रहा हूँ भाई, फिर भी आगे निकल गए क्या? तो राइडर में दिक्कत है भाई. आ रहा भाई फुर्ती में, आ रहा लड़का. अपनी 136 पे अभी. भाई R15 बहुत आगे निकल गई भाई, बहुत आगे. भाई राइडर ही पनौती है क्या? तुम्हारा भाई पनौती लग रहा है भाई मेरे को. तू राइडर ही गंदा है, ये राइडर ही गंदा है, ये जीत ही नहीं पाया मेरे से. दोनों देखो, R15 को नहीं आ रहा पाएगी, ये तो फिक्स है. R15 को Duke 200 नहीं आ रहा पाएगी, जो मैं मानता हूँ नहीं आ रहा पाएगी. एक बार तू दोबारा ट्राई कर ले, तुझे करना है वो ट्राई. बता कुछ गलत लगा तुझे? सब कुछ सही था. 137 तूने इनिशियल में अच्छा नहीं किया ना भाई. मैंने इनिशियल में अच्छा किया. 133 34 यही चल रही थी.
मेरा 80 है, मेरा 70 है, तो फिर 10 किलो का भी फर्क बैठ रहा है। थर्ड राउंड है ये, और एक बार ये जीती एक बार ये जीती। ये इसलिए थे कि राइडर अच्छा था, मैं राइडर अच्छा था, तो अब दोबारा से भाई को मौका दिया एक बार अनफाइव चलाने का। 3 हॉर्न में निकलेंगे, आदमी खसी है। तो गाइस भाई साहब फिर आगे निकल गई बीबीए बीबीए बीबीए। इस बार तो भाई निकाल दे, इस बार निकाल दे बीबीए। सस्पेंशन भाई बहुत ही स्मूथ है इसका भाई, केटीएम का। अभी एक बम आया और मेरे काबू चल गया था। अभी भी बीट नहीं कर पाए ये कर लेगा मुझे बीट, मुझे पता है, पर लंबी रेस में ये कर दिया क्योंकि भाई से लिमिट रीड कर गया। दो ओवर भाई निकालेंगे निकालेंगे आर1 फाइव को निकालेंगे आगे। तो आर1 फाइव पर आगे निकाल दी भाई मैंने, हड्डियों पर रह गई पीछे। गाइस 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 में से 2 बार जीती है आर1 फाइव। आर1 फाइव भी इसलिए जीती है, थोड़ा लॉन्ग रेस होगी ना तो अपनी आर1 फाइव ले जाएगी, शॉर्ट रेस होगी तो अपनी KTM जीतेगी। तो चलो एक लास्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। निकल जा निकल जा निकल जा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आया मैं पीछे से टप्पा मारूंगा तब आगे। मैंने बोला भाई नहीं आ रहा भाई KTM वाले आर1 फाइव को कभी भी। तो गाइस सेकंड थर्ड गियर फोर्थ गियर फिफ्थ गियर और अपना ये लास्ट सिक्स्थ गियर और आर1 फाइव देख रहे हो कैमरे में, ऑन कैमरा पीछे। लंबी रेस का घोड़ा भाई जो एंड के बाद जो भागती है ना भाई, अनबिलीवेबल, बहुत गजब भागती है भाई ये। अपने आर1 फाइव भाई 140 से ऊपर नहीं जा रही, मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि जो मैंने V3 चलाई है वो मैं 150+ ले गया हूँ। सारी इच्छा खत्म हो गई होगी KTM वाले की अब। तेरी सारी इच्छा खत्म हो गई होगी KTM की भाई, इसको नहीं हरा पाओगे आप भाई, इसको नहीं हरा सकते भाई आप आर1 फाइव को, आर1 फोर को आप नहीं हरा। ये 200 RC को नहीं छोड़ती, तो भाई ये ड्यूक क्या चीज़ है उसके आगे। तो भाई फाइनली विनर जो है अपनी वो है आर1 फाइव और ड्यूक। तो भाई क्या ही बोलूँ KTM वालों पे भाई, इनिशियल के लिए बोल सकते हो आप, बहुत अच्छा इनिशियल रहता है इनका। लेकिन अगर टॉप एंड की कहीं बात करें तो अपनी आर1 फाइव का कोई मुकाबला नहीं है भाई मार्केट में, सीरियसली। ये बाइक RS 200 RC 200 KTM ड्यूक 200 NS 200 इन सबको हराने की हिम्मत रखती है अकेली, मतलब इतनी जान है ना, मतलब 155 cc इंजन में। तो फाइनली भाई मेरे लिए तो भाई ये मेरी फेवरेट है, और आप ले सकते हो भाई आर1 फाइव। सब कुछ बहुत बढ़िया है इसका भाई, सर्विस बहुत अच्छी है, टॉप एंड बहुत अच्छा है, इनिशियल भी अच्छा है, थोड़ा सेटिंग में मार खा जाती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो इतनी थी, बता देना गाइस वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ड्रैग रेस पसंद है। मिलते हैं आपको ऐसी किसी बेहतरीन सी वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।